रमप्रिया, जी हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का। 16 वर्ष की रमप्रिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे। अरे यहाँ तक कि हमारे गांव जवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव क्या पूरे जवार में सबसे पहले साइकिल रमप्रिया के घर पर ही खरीद कर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गांव जवार टूट पड़ा था। रमप्रिया उस समय उस साइकिल को लनगड़ी चलाते हुए गढ़ी, खेत खलिहान सब घूम आती थी। रमप्रिया बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसा मटरगस्ती करती रहती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी, चिक्का आदि खेलने में भी आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गलगोदी करने को लेकर झगड़ा हो गया। अरे देखने वाले तो बताते हैं कि रमप्रिया ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, पानी पिला पिला कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। रमप्रिया से उसके हमउम्र लड़के पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हमउम्र लड़के उसे उजड़ और झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता। हाँ, यह अलग बात थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। रमप्रिया खर खर दोपहरिया में अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर अपने बगीचे की ओर चल दी। उसका बगीचा धोबरिया गड़ी के किनारे था। इस बगीचे में आम और महुए के पेड़ों की अधिकता थी। यह बगीचा गांव से लगभग आध किमी की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो रमप्रिया खूब साइकिल हनहनाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और पसीने से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। पसीना उसीना पोंछने के बाद पता नहीं रमप्रिया को क्या सूझा कि वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे ही रमप्रिया का मन पंछी उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा सकुचाई, थोड़ा मुस्काई और फिर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा। पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी कि, पर खैर जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उस बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर में करेंगे, जहां उसकी सेवा के लिए जरूर कोई न कोई नौकरानी होगी। अभी रमप्रिया इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर के तरफ कोई बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है। रमप्रिया के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। ये तो आए दिन की बात थी। बकरी गाय आदि चराने वाले लड़कियां या लड़के चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरोते या सहा रहते थे, और रमप्रिया भी खुश होकर उन्हें थोड़ा बहुत अपना साइकिल चलाने को देती थी। पर पता नहीं क्यों आज रमप्रिया को यह आभास हो रहा था कि अंगुली कुछ इस तरह से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही एक अनजान आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी अंगुलियां उसमें पिरो रहा है। आज रमप्रिया को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिसमें उसके यौवन की खुमारी भी छिपिल रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की भी इच्छा हो रही थी। प्रभा बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर उठकर बैठ गई तो यह स्वर्गिक आनंद पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा कि सैमन, और ऐसे ही उंगुलियां घुमाओ तो मैं एन घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज नहीं आई, फिर भी रमप्रिया मदमस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और रमप्रिया अभी भी बगीचे में लेटी थी। तभी उसे उसके बाबूजी की तेज आवाज सुनाई दी, रामकली बेटी रामकली, अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है तू निडर होकर सो रही है। रमप्रिया ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्काई। उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। रमप्रिया उठी, साइकिल उठाई और लगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि रमप्रिया ठीक से सो न सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी सोने की कोशिश करती उसे बगीचे में घटी
आज दोपहर की घटना याद आ जाती। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर ये जानना चाहती थी कि आखिर कौन था वह। वह पछता रही थी, उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उसे उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्शों से उसे अचानक कब नींद आ गई थी पता ही नहीं चला था। अरे अगर उसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते नहीं तो पता नहीं कब तक सोती रहती। सुबह जल्दी जगकर रमक लिया, फिर अपनी साइकिल उठाई और उस बगीचे में चली गई। सुबह की ताजी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर पता नहीं क्यों सरसराती हवा में पत्तियों टहनियों से बात करती हवा में मकलिया को एक भीनी भीनी मदमस्तकर देने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों से खेल रहा है। वह लगभग घंटे तक बगीचे में रही और फिर वापस आ गई। घर आने के बाद मकलिया पता नहीं किन यादों में खोई रही। उसी दिन फिर से खटखट दोपहरिया में मकलिया का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चली गई। बगीचे में छोर राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर मकलिया एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ वह हल्की सी मुस्काई और अपने दुपट्टे को अपने सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी रमकलिया को लेटे टू शोर मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं, पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस अंगुलियों को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद आनंद की अनुभूति करा रही थी, पर उसने अपने हाथ अपने सर पर ले गई। वहां उसे कुछ नहीं मिला, पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ अंगुलियां उसके बालों से खेल रही हैं। रमकलिया को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखी तो गजब हो गया, पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो था वह इस पेड़ के पीछे छिप गया हो। पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहां कुछ नहीं मिला था, फिर भी बालों में अंगुलियों के सुखद स्पर्श कैसे लग रहे थे। खैर वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहां भी कोई नहीं। अब वह बगीचे में आसपास दौड़ लगाई पर से कोई नहीं दिखा। फिर वह अपने साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं न कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। आज की रात फिर मकलिया सोन सकी। आजकल उसे आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह अब विवाह योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं अपितु कोई दूसरा सुंदर युवा है जो प्यार से वशीभूत होकर उसके पास खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में कौंदा के जो भी है वह बहुत शर्मीला और साथ ही फुर्तीला भी, क्योंकि पता नहीं कहां छुमंतर हो गया कि दिखा ही नहीं। रमकलिया के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, पर सब सुखद एहसास से भरी रोमांचित करने वाली ही थी। अब तो जब तक रमकलिया अपने बगीचे में जाकर एंडू घंटे लेट नहीं लेती तब तक उसका जी ही नहीं भरता। रमकलिया का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक ऐसा अनजाना नासमझ प्रेम जो रमकलिया के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था, एक स्वर्गिक आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। एक दिन सूर्य डूबने को थे, चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हांकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे में मेयर मकलिया को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुली पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अभी उसे उस बगीचे में बुलाया, और वह भी अपने आप को रोकन उसकी और खिंचते हुए इस बगीचे की ओर चली। हाई 200 मिनट खड़ा रहने के बाद मकलिया थोड़ा तन गई, अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर ये कोई इंसान न होकर भूत निकला तो। खैर जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमी जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दैवी आत्मा,
अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है, मैं अब इस दैवी आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है, कैसी है उसकी दुनिया। ये सब सोचती हुई रमकलिया अपने साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे टुकराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी। फिर वो अपने घर चली गई। रात को रमकलिया अपने कमरे में बिस्तरे पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सिहरन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उस कमरे के जंगले से एक बहुत ही तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश की। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में बैठी इस डरावनी हवा से रमकलिया थोड़ी सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने अपने पैर बढ़ते दिल की धड़कन को भी काबू में करने का प्रयास किया। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में हौले हौले भारी आवाज में गुनगुना रहा हो। बढ़ती दिल की धड़कन कुछ तो कह रही है, मैं तेरा दीवाना जलता परवाना हूं, तुम क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तरे के बगल में हल्के से मूर्त रूप में स्थिर हो गई है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अचानक उसे लगा कि वही बगीचे में वाले सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे हैं। उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। वह चाहकर भी कुछ ना कह सकी और धीरे धीरे फिर से लेट गई। अरे ये क्या, उसके लेते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहाने की ओर आ रही है। वह करवट बदली और उस काठ कुर्सी की ओर नजर घुमाई। तब तक वह काठ कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त अलहड प्रेमांगना की तरह अंदराई लेते हुए सांसों को तेजी के साथ छोड़ते हुए वह फिर से चुपचाप बिस्तरे पर लेट गई। उसके लेटते ही वह सुकुमल हाथ फिर से उसके बालों से खेलने लगे। वह कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई। ये कल्पित दुनिया अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी रमकलिया ही थी जिस एक अपने से वक्त से प्रेम हो गया था। वह इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक रमकलिया को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका सिर पकड़कर जोर से हिला रहा है यानी गाने की कोशिश कर रहा हो। रमकलिया को लगा कि ये है भी स्वप्न तो नहीं, पर वह तो गिरी थी, वो उठकर बैठ गई। फिर उस कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो रमकलिया को उसके पिछले जन्म में लेकर चली गई। रमकलिया बिस्तरे पर सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थी। काठ कुर्सी पर मूर्त रूप में पर पूरी तरह से अस्पष्ट हवा का रूप विराजमान था और वहां से एक मर्दानी भारी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कह रही थी, रमकलिया तू मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं पिछले 2-3 जन्मों से तुझे प्रेम करता आ रहा हूं। मैंने हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ न कुछ गलत कदम उठाया है, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहूंगा। वह आवाज आगे बोली, याद है पिछले जन्म में भी मैं तुझे अथाह प्रेम करता था, पर तुम मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं भी बावला पागल तुझे पेड़ से धक्का दे दिया था। यहां मैं आप लोगों को रमेश्वरा की कहानी की याद दिलाना चाहूंगा, जो गांव की गोरी थी और उसे एक भेड़िहार का लड़का अपना बनाना चाहता था, पर रमेश्वरा के पिता द्वारा मना करने पर उस भेड़िहार पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी और प्रेत हो गया था। बाद में वही प्रेत रमेश्वरा को ओलापाती खेलते समय धक्का दे दिया था और वही रमेश्वरा अब रमकलिया के रूप में फिर से पैदा हुई थी। आभार मैं वही हूं पर अब बदल गया हूं। भले मैं आत्मा हूं, एक प्रेत हूं, पर अब मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूंगा और अब उसे नफरत से नहीं प्रेम से जीतूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर रमकलिया एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्त पर अस्पष्ट हवा से निपट गई। वह सिसक सिसक कर कहने लगी, तू जो भी हो पर है मेरा प्रियतम, मैं अपने बिना जी नहीं सकती, तू अब देर न कर, अभी मेरी मांग में सिंदूर भर और मुझे अपना बना, मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद रमकलिया को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वह बिस्तरे पर गिर गई। सुबह सुबह रमकलिया के माता पिता रमकलिया कमरे का दरवाजा पीटे जा रहे, पर वह उठने का नाम नहीं ले रही है।
रमकलिया के माता पिता बहुत ही शान है क्योंकि रमकलिया कमरे से कोई सुगुगाहट नहीं आ रही है। आसपास के कुछ लोग भी एकत्र हो गए। सब चिल्ला चिल्ला कर रमकलिया को जगाना चाहते हैं। रमकलिया के माता पिता ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया क्योंकि वे अब किसी अनहोनी की आशा में लिपटते जा रहे थे। लकड़ी के दरवाजे पर कसकर एक लात पड़ते ही अंदर से लगी उसकी किली निकल गई और भड़ाक से करके दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही रमकलिया के माता पिता रमकलिया के बिस्तर की ओर भागे। साथ में आसपास के कई लोग भी थे। रमकलिया के कमरे का हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी और साथ ही रमकलिया के पी स्तरे पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंदूर का एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तरे पर रमकलिया नहीं कोई नवविवाहिता लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। रमकलिया की माँ ने देर की और बिस्तरे पर सोई उस महिला को झिकझोड़ने लगी। अरे यह क्या, उस सोई त्रिणी ने करवट बदला और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित थे। रमकलिया का एहरू देखकर उन्हें सांप भी सूद गया था। दरअसल वह रमकलिया ही थी पर वह एक नवविवाहिता की तरह संजरी संवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां थीं तो पैर में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहां से उसके पैर में ने छागल भी आ गए थे। सर पर सोने का अंबिट का शोभा पा रहा था और उस मंगटिक्के के नी सिंदूर की हल्की आभा बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान परेशान। अरे रात को ही तो रमकलिया अपने कमरे में आई थी। रात को उसके कमरे में कोई सुगुबुगाहट भी नहीं हुई। दरवाजा भी नहीं खुला तो इतना सारा सामान हाथ से आ गया था उसके कमरे में। उसे एक नवदुल्हन की तरह कौन सजा गया था, क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था उससे ऐसा लग रहा था कि कोई आज महिलाओं ने 24 घंटे मेहनत करके उसे सजाया है। रमकलिया के माता पिता परेशान थे कि उनके घर में इतना कुछ हो गया और उनके कान पर जू तक का नहीं। रमकलिया बिस्तर से उठी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने मेरे में सब खड़े लोगों विशेषकर अपने पिता और माता की ओर देखने लगी। वह धीरे धीरे चलकर अपने माता के पास गई और उनके गले लगी। उसने कहा कि माँ मैं अब विवाहिता हूँ। इसके बाद भी उसकी माँ कुछ बोल न सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे। धीरे धीरे ये बात गाँव क्या पूरे जवार और जिले में फैल गई। लोग रमकलिया के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते पर गांव के लोगों की सुनी बातों पर अविश्वास से सिर हिलाते चले जाते। जी हाँ, उस रात उस प्रेत ने रमकलिया से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना बना लिया था।